जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बड़ी आतंकी घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ है। कम से कम 35 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं। डिफेंस सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी पार शिरडी से माछिल में घुसपैठ के लिए लश्कर के 18 आतंकी तैयार बैठे हैं। नैगाम में घुसपैठ के लिए एलओसी पार लीपा में 8 आतंकवादी तैयार हैं। पुंछ में भी घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं और यहां 6 और भीमबर गली में 3 टेररिस्ट घुसपैठ की कोशिश में हैं। तो अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बड़ी आतंकी घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ है। कम से कम 35 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं। डिफेंस सोर्सेस की जो जानकारी है उसके मुताबिक एलओसी पार शिरडी से माछिल में घुसपैठ के लिए लश्कर के 18 आतंकी तैयार हैं। उधर नौगाम में भी घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। एलओसी पार लीपा में 8 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में हैं। वहीं अगर हम पुंछ की बात करें तो यहां भी घुसपैठ के लिए 6 आतंकवादी और वहीं भीमबर गली में 3 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में है। और चलिए हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्ण मोहन, लगता नहीं है कि पाकिस्तान बाज आने वाला है? पाकिस्तान के बाज आने की तो खैर कोई आशा या कोई भी संभावना है नहीं। ये वक्त ऐसा है कि जब सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है, क्योंकि पिछले दिनों ऑपरेशन ऑल आउट सेना ने चलाया और उसमें घाटी में उसने आतंकवादियों का बहुत बड़े पैमाने पर संहार किया। उन आतंकवादियों की कमी पूरी करने के लिए और आतंकवाद की आग लगातार जलाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो नए आतंकवादियों की खेप भेजता जाए। यही वो वक्त है जब सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। ये सारे लॉन्च पैड काफी पहले भी नोटोरियस रहे हैं। लीपा जिस लॉन्च पैड का नाम है, उस लॉन्च पैड को जो सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसमें भारतीय सेना ने तबाह भी किया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा तैयार किया गया और इन सारे लॉन्च पैड में आतंकवादी तैयार बैठे हुए हैं सीमा में घुसपैठ करने के लिए, ताकि वो घाटी में आकर दोबारा आतंकवाद फैला सकें। अभी अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, उस पर आतंकवादियों की हमेशा नजर रहती है। और इसके साथ ही एक जो सबसे खास बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि ये सारे लॉन्च पैड अभी सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने से ही इन सारे पासेस को आवागमन के लिए खोला गया है और ये अगले 3 से 4 महीने तक ये खुले रहेंगे। तो अगले 3 से 4 महीने तक ये सारे के सारे लॉन्च पैड बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मुखबिरों के जरिए भी आई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए भी आई है और ये आपस में इनको पुख्ता किया गया है और ये पक्की एक तस्वीर तैयार की गई है कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान कश्मीर में अपने ट्रेंड आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन इस तमाम जानकारी के लिए।